हमारे भतीजा खलील मोहम्मद खलील नाम है इनका, मेरा भतीजा होना है, सुसाइड कर दिया सो है, फांसी ले लिया सो इनको सर, तो अपने खुद से नहीं लिए सो है। दो तीन महीने पहले भी फैमिली टेंशन में उनके ससुराल वाले बोले हुए साली सास कि इनको जान से मार देते हम बोल के, तो आज वही काम हुआ सो। आज हुआ क्या भाई? फांसी ले लिया बोल के बोल रहे हैं। बजे 6 बजे का टाइम था ऐसा, हम लोग भी नहीं थे जॉब पे थे, फोन करे बताए अभी आज बच्चा फांसी ले लिया। दूसरे जने बोले उनको वो घर वाले आजू बाजू वाले फोन करके बोले सो है कि 1 घंटा पहले फांसी ले लिया बोल के। क्या कुछ टेंशन दी? फांसी ले लिया बोल के पड़ोस वाले बोले सो है, घर वाले भी नहीं बोले उनको पहले 1 घंटा हुआ बोल के फांसी नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पहले भी फैमिली टेंशनों में जब भी उनको धमकी दिए थे अच्छा इनको मार देते बोल के, इनके सालिया सास बोल के इनके जब इससे पहले भी लड़के खुद गालम गलौजी करके बोले हुए सर फोड़ दिए थे, इससे पहले भी उनका टाके लग गए थे हम, तो अभी भी वही करे वो लोग, अब बोल रहे उन्होंने फांसी ले ली, उन्होंने फांसी नहीं ले सकते जी। शादी जब से ससुराल सास को ले लेके रह रहे हैं साथ, लव मैरिज है, सास को उन्होंने ले लेके थे साथ, सास को साले को। मेरा भांजा नहीं ले सकता फांसी, ये पूरे ससुराल वाले मिलके मारे से हुए मेरे भांजे को, बहुत हिम्मत वाला है, पूरे खानदान की जान थी वो। क्या काम करते थे? वीडियोग्राफर थे। अच्छा, कुछ टेंशन था या कुछ उनको परेशानी भी? टेंशन था, अगर फाइनेंशियल भी टेंशन रहता तो घर वालों को मालूम रहता था, अम्मा बहनों को सबको मालूम रहता था। जी, कब हुआ? 4 महीने पहले लड़ाई हुई उनकी ससुराल से, बहनों से भी उनकी बीवी जो है सो नहीं मिलना बोले, बच्चा ठीक है बल्कि बीवी की बात सुन के बहनों से भी नहीं मिल रहा रहता जी। ये सब जो सो लोग मिल के मारे सो। आपको कब इत्तला पहुंचे? मेरे को 2 घंटे के बाद मालूम हुआ, उनकी सगी फुप्पू को लोगा फोन करके बोले कि ऐसा खलील फांसी ले लिया, ऐसा देखा गया तो अगर खुद ले लिया तो बीवी घर में है, उनके ससुराल वाले है, बोल सकते थे फोन करके, मगर नहीं बोले। और ये मर्डर है मेरे भांजे का, जो भी करे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम मोहम्मद रियान खान है। आज मेरे भाई का आज मेरा भाई फांसी ले लिया। ये मेरे भाई का नाम मोहम्मद खलील खान है। ये तो मेरे 2 महीने पहले से लड़ाई चल रही, मेरे भाई को हालात में मारे थे। किसे लड़ाई चल रही थी? घर में चल रही थी लड़ाई। अच्छा। घर वालों से तो जब भी सिर फोड़ लिए थे, दोनों फोड़ लिए बोले थे जब जी। वो भी लोगाई मारे जैसा है जी। ये अभी भी मेरे को 1 घंटा पहले मालूम हुआ कि मेरे भाई के दोस्त फोन करे के खलील फांसी लेके मर गया बोलिए। और तेलंगाना पुलिस से हमारी गुजारिश है कि